आज हम बी एस ग्रेवाल का प्रॉब्लम या एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 5 सॉल्व करेंगे, जिसमें क्वेश्चन लिखा है इफ ए इक्वल टू 1234201231 लिखा है और बी दिया हुआ है 21032111। अब पूछ रहा है फाइंड ए बी और बी ए, विच वो एग्जिस्ट, बताना भी कि वो एग्जिस्ट कर, ए बी एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो मैंने ए लिख दिया है और बी मैट्रिक्स लिख दिया। अब बता बता ये ए जो है कौन सा ऑर्डर का है, तो ये 3 रो है इंटू 4 कॉलम है और ये 3 रो है और 3 कॉलम है। तो अब हम ए बी करते हैं, ए बी के लिए क्या होता है, इसका रो तो इसका कॉलम और इसका रो सेम होते हैं, लेकिन ये इक्वल नहीं है, 4 है यहाँ 3 है, इसीलिए ए बी नॉट एजिस्ट। ये हम बी ए करते हैं, बी ए इसका इसका कॉलम ये हुआ और इसका रो ये थ्री मैच कर रहा है, इसलिए ये दोनों मल्टीप्लिकेशन हो सकता है, इसलिए हम ये एजिस्ट करेगा और इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं 1 2 3 4 जो है वो लिख दे रहे हैं। हम जैसे हम बोले हैं कि ए बी जो है, जैसे ए बी है जो नॉट एग्जिस्ट कर रहा है, फिर हम बी ए बोले हैं बी ए एग्जिस्ट करता है, तो बी ए में जैसे दोनों लिख दिए बी ए और ए, अब इनको मल्टीप्लिकेशन करने पर क्या आएगा, बी ए इसको टू, इसको हम इसको मल्टीप्लिकेशन टू टू ये टू 4 और ये 0 0 यहाँ 4 हो जाएगा, ए बी के से 2 2 जा ये हो गया 2 2 जा 4 ये 0 ये 0 यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ हो गया 3 2 जा 6 एक 7। फिर उसी तरह हम लोग यहाँ 4 2 जा 8 8 2 10, इसी तरह हम मल्टीप्लिकेशन करते हुए सब निकाल लेंगे, तो इसका आएगा 10 7 11 और 21। फिर यहाँ आएगा 1 0 3 1 4 आएगा, यहाँ से 2 1 3 आ गया, फिर यहाँ से 3 ये 0 और ये 0 3 और यहाँ आएगा 4 5 4 9 9। तो ये एग्जिस्ट किया और ये इसका आंसर रहा। अगर ये आप लोगों को वीडियो मेरा अच्छा लगा हो तो कृपया शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और कुछ भी मेरे से गलती हुआ तो प्लीज़ कमेंट में देख मैं इसको सुधार सकूँ।